वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कम सैलरी में रिच कैसे बने। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक आदमी है जिसको 1 लाख रुपए सैलरी है और दूसरा आदमी है जिसको केवल 20 हज़ार रुपये सैलरी है। यदि वह जो 20 हज़ार महीने का जो सैलरी वाला आदमी है, यदि वह 5 हज़ार उसमें से बचा लेता है और इन्वेस्ट करता है, और दूसरा जिसको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है लेकिन पूरे 1 लाख वह उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी उसको घर का EMI भरना पड़ता है, बाकी खर्चे हैं, तो पूरे 1 लाख उसी में चले जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं तो स्मार्ट कौन है। तो इसलिए कहते हैं कि जॉब के साथ साथ आप कैसे रिच बन सकते हैं। उसके लिए आपको आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना ज़रूरी है। जैसा हर आदमी के सपने बड़े होते हैं, वह बड़ा बनना चाहता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले आपके जो खर्चे हैं वह मैनेज करना ज़रूरी है। जैसे आपका जो अनवांटेड भी खर्चा होता है उसे बचा लीजिए। दूसरा पॉइंट है खुद के ऊपर आप अपने पैसे खर्च कीजिए। अपने ऊपर खर्च करना मतलब आप नए नए तरीके सीखिए, नए नए स्किल को सीखिए, जिससे कि आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपके स्किल का आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा। और ज़्यादातर जो भी लोग जॉब करते हैं उनका सैलरी फिक्स होता है, वह ठीक से प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है हमको अपने इस सैलरी में ही अपने को एडजस्ट करना है, तो और उसमें भी आपको पैसे बचाना है, तो उसके हिसाब से वह अपना प्लानिंग कर सकते हैं। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का लोन कभी मत लीजिए क्योंकि इस लोन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसे 30 से 40% एनुअल इसका इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे लोन कभी मत लीजिए, तो इसमें आपके पैसे बच जाएंगे। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो जब आप अपने स्किल डेवलप करते हैं तो तुरंत दूसरी जगह पे ट्राई कीजिए और वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलने के बाद में तुरंत स्विच ऑफ कर लीजिए और दूसरे जॉब पे चले जाइए। और इसी उसके बाद में वहाँ पे भी आपको नए नए कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, फिर आप ट्राई कीजिए अच्छे जगह पे जाइए कुछ साल के बाद, और फिर आपकी सैलरी और बढ़ेगी, डबल होगी। जैसे ही सैलरी हाइक होती है आप जॉब को स्विच कर दीजिए और जितना हो सके जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। इससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होते रहेगा। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो अपने खर्चे वैसे ही रखें जैसे पहले चालू थे। अपने जॉब पर फोकस करें, अपने काम को शानदार तरीके से करें और जितना बेहतरीन तरीके से आप काम करेंगे आपकी सैलरी कुछ दिन के बाद जॉब में बढ़ जाएगी। घर या कार के लिए लोन मत लीजिए क्योंकि यदि आप घर और कार के लिए लोन लेंगे तो यह उसकी EMI भरने में ही आपके पैसे चले जाएंगे, तो यह लोन मत लीजिए। यदि आप यह सब करते हैं तो आप 100% आगे बढ़ेंगे और अच्छे मुकाम पर आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।